हाय दोस्तों, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल जीके जैम सर पर। और आज हमारे साथ दो स्पेशल मेहमान हैं, दो खास मेहमान हैं। इनके साथ हम आज डिस्कस करेंगे केवीएस टीजीटी सोशल साइंस इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ जो आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट है सुनील चंद्रा जी, टीजीटी एसएसटी, जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं। और हमारे साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं वह है जगमोहन मीना सर, जो कि केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं। और मैं चंद्रशेखर मीना, मैं पीजीटी हिस्ट्री में भी केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूं। तो हम तीनों केवी के शिक्षक हैं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी केवीएस का एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। तो हम आज इस वीडियो में स्पेशली टीजीटी एसएसटी इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके हमारे चैनल में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें किस तरह से हेल्प मिल सकती है। एक ऐसा वीडियो बनाइए आप जिससे हम इंटरव्यू के बारे में हमें थोड़ा अनुमान लगे, हम गेस कर सके कि हमारा इंटरव्यू किस प्रकार हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो जो हमारे खास मेहमान है उनके साथ हम इसी जो हमारा मेन वीडियो का जो मेन उद्देश्य है यही है कि इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं से संबंधित हम सर के साथ डिस्कस करेंगे, सर से बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो हमारे खास मेहमान है सुनील चंद्रा जी, उनसे जानना चाहूंगा कि सर आप कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि टीजीटी एसएसटी इंटरव्यू के लिए उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो उनको प्रिपेयर करना चाहिए, और किस तरह से वो एक अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो सर प्लीज। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। और आपकी तरह मैं भी कुछ साल पहले यही कर रहा था, वीडियो सर्च करके देख रहा था। और मैंने भी ये ज्वाइन सितंबर 2019 को किया है और मुझे भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और डरिए मत, जिस तरह की कंडीशन आपकी आज है वैसी मेरी भी थी, तो आप में और मेरे में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप भी मेरी तरह मेरी जगह पे आ सकते हैं और हो सकता है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है, आप करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और रही बात हमारे सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले मैं जानना पड़ेगा कि हमारा विषय सोशल साइंस है, तो एज अ सोशल साइंस टीचर आपकी नज़र में पारखीपन होना चाहिए। पारखीपन मतलब कि आप चीज़ों को नोटिस करें, क्योंकि क्वेश्चन बैकग्राउंड से ही बनते हैं। जैसे अगर आप अपना डेमो भी अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो एग्जामिनर इंटरव्यूअर जो होगा वो आपके बैकग्राउंड से ही आपके क्वेश्चन पुटअप करेगा। जैसे अगर आप अपना नाम बता रहे हैं, तो सपोज कीजिए आपका नाम ही कुछ यूनिक है, तो आपसे वो आपके नाम से ही आप क्वेश्चन की शुरुआत कर देगा कि अच्छा आपके नाम का क्या अर्थ है। या फिर अगर आप किसी हिस्टोरिकल सिटी से आ रहे हैं या कुछ ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे हाल फिलहाल में कोई घटना हुई है या कोई सेमिनार आयोजित हुआ है या कोई सम्मेलन हुआ है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर देगा। तो ले दे के मतलब ये है कि आपके बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप होगा। जी अच्छा, सर, धन्यवाद सर। अच्छा, तो सबसे पहले मैं जो हमारे सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा, हमारे जो खास मेहमान हैं सुनील चंद्रा जी सर। सर आप शॉर्ट में कृपया ये बताइए कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था टीजीटी एसएसटी का, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और किस तरह से और भी ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले जो इंटरव्यू है उनमें पूछे जा सकते हैं। तो कृपया आप हमें बताइए शॉर्ट में किस तरह से आपके इंटरव्यू में एसएसटी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन थे, जो जनरल भी थे, क्या टफ थे, क्योंकि बहुत सारे जो हम इंटरव्यू देने जाएंगे पहले टाइम हो सकता है पहली बार इंटरव्यू देंगे बहुत सारे, तो वहां पे एक डर रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो सर आपने, तो आपको बताया आपने इंटरव्यू फेस किया हुआ है, तो प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि जैसे मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री ऑनर्स, तो मेरा बैकग्राउंड ही हिस्ट्री से था, तो निश्चित तौर पे मेरे से हिस्ट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो मेरा नॉलेज था वो तो उन्होंने एग्जाम में चेक कर लिया है। अब मुझे वो ये चेक करना चाहता है कि मैं अपना नॉलेज को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एज अ टीचर तो हमें वही करना है ना, हम कितना जानते हैं वो मैटर नहीं करता, हम क्या प्रेजेंट कर पा रहे हैं वो मैटर कर रहा है। तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड से, यानी आपका जो शैक्षिक योग्यता का बैकग्राउंड है ना, उसको आप देखिए। आप अपने खासकर आपने जो विषय पढ़े हैं बीए में पढ़े हैं, या फिर अगर आपने एमए किया है तो एमए में जो विषय पढ़े हैं उन विषयों के कम से कम उनके टाइटल तो आपको पता होने चाहिए।
क्योंकि आपसे वो सीधे सीधे पूछेंगे कि अच्छा आपने कौन कौन से विषय पढ़े थे, आप वो उनको बताइए, तो फिर वहां पे आपको आपकी मतलब जनरल नॉलेज इतने से चेक हो जाएगी कि आप अवेयर हैं कि नहीं, आपने सिर्फ पढ़ा है कि आपने अच्छे से पढ़ा है, ये चीज रहेगा। अच्छा ओके ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, और हमारे साथ ही आज के जो दूसरे खास मेहमान है जगमोहन मीना सर। सर आपको पता है, देखिए अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और उनके मन में 100% ये डर रहता है कि केवी में इंग्लिश का बहुत ज्यादा रोल है। तो हम हमारे खास मेहमान के साथ डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल करे, क्योंकि इंग्लिश का एक जो डर है तो उसको किस तरह से इंटरव्यू में वहां पे वो डर दूर रहे और उनका सिलेक्शन भी हो। तो सर आप प्लीज बताइए हिंदी और इंग्लिश का कितना रोल होता है इंटरव्यू में, प्लीज सर। नमस्कार, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सर ने पूछा है कि हिंदी माध्यम जो क्षेत्र है वहां पे एक डर है कि वास्तव में इंग्लिश में हम कैसे फेस करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि केवीएस का इंटरव्यू जो होता है वो अक्सर इंग्लिश में होता है, ऐसा हमारे भ्रांति है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी को है, जो नॉन हिंदी क्षेत्र है ना वहां पे हिंदी को लेकर डर है और जो नॉन इंग्लिश क्षेत्र है वहां पे इंग्लिश को लेकर डर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार का पहले से ही आप अपने मन में कोई ऐसी भ्रांति ना पालें कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, इस बात को आप बिल्कुल त्याग दें। और ये प्रश्न हर एक बच्चे का है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसका एक प्रश्न है कि भैया इंग्लिश में हम कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैं आपसे सिंपल एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं आपको पूछूं कि आप इंट्रोडक्शन दें और आप हिंदी में धड़ाधड़ इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आए तो वही समस्या क्रिएट हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी इंटरव्यू आपका बहुत समय लेगा, टाइम हुआ है आपके पास 20 दिन 25 दिन महीना भर, तो आप क्या कर सकते हैं, जो कुछ बेसिक थिंग्स है ना उनको आप इंग्लिश में तैयार कर ले दें, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश में तैयार करना। 5-7 चीजें हैं मेन मेन, जिसमें आपका सबसे पहले तो ग्रीटिंग है जो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग, समय के अनुसार गुड इवनिंग कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून कर सकते हैं। दूसरा, इंटरव्यू में क्या शामिल करें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका नाम बोलना है, नाम सीधा इंग्लिश में बोलना है, माय नेम इज आपका जो नाम है वो बोल देना है। इसके बाद में आपको कहां से आप बिलोंग करते हैं वो बोलना है। उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन डायरेक्टली, अगर आप टीजीटी एसएसटी के हैं तो स्पेशली आपने ग्रेजुएशन कहां से किया, उस कॉलेज का नाम और साल बताना है आपको, कौन से साल में आपने वहां से कंप्लीट किया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग के अंदर तो वो जरूर आपको बताना है कि सर आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, वो आपको शो करना है वहां पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है केवीएस में कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस रखता है ना उसको थोड़ा सा वहां पे इंटरव्यू में 2-4 नंबर यहां पे एक्स्ट्रा मिलने की संभावना रहती है। तो अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है स्कूलिंग का या कॉलेज का तो आप उसको जरूर शो करें दोस्तों। और एट लास्ट आपको बताना है हॉबी के बारे में, मतलब आपकी हॉबी क्या है, या रीडिंग बुक्स है या फिर कोई सिंगिंग है, कोई भी हो सकती है, उसको भी जरूर बताएं, क्योंकि वहां से प्रश्न बनेगा आपसे। अगर आपने बोला सर मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक है तो वहां पे आपको 2-4 गाने याद होने चाहिए रिलेटेड, चाहे वो कैसे भी हो सकते हैं, डिवोशनल सॉन्ग हो सकते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, म्यूजिकल हो सकते हैं, तो वो आप तैयार कर लीजिए। और अंत में आपको धन्यवाद बोलना है, और सर इतना ही है इंटरव्यू में, अगर इतना बता दिया तो बहुत है। लेकिन आप ऐसा भ्रमित नहीं हो कि इंग्लिश में ही पूछा जाए, हो सकता है आपसे बोले कि हिंदी में दो तो आपको हिंदी में बताना है, अगर वो कहें कि इंग्लिश में दो तो आपको इंग्लिश में बताना है। तो मेरे हिसाब से इतना ही पर्याप्त है। आप इंट्रोडक्शन के अंदर सब कुछ नहीं बताना है, कहीं आप बोलते रहो 5 मिनट तक और वो बोर हो जाए कि आपके आपने सब कुछ अपने बारे में बता दिया, और वो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर ने बताया यहाँ पे इंटरव्यू में अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर ने जो आपको जानकारी दी है उसको आपको फॉलो करना है, और ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन ओनली इंग्लिश पे ही डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो बेसिक है वो बेसिक इंग्लिश आप यूज करिए, और अभी टाइम है आपके पास, तो सर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप थोड़ा तैयार भी कर सकते हैं अभी। और हम अभी थोड़ा स्पेशली देखो इंटरव्यू में मैन अभी डेमो टीचिंग, ये भी बहुत मैन इंपॉर्टेंट रोल होगा इस बार, क्योंकि केवीएस में जो अभी 2023 वाली वैकेंसी है इसमें आपको बताएं, अगर आपका 30% वेटेज है इंटरव्यू का, उसमें से आपके जो 50% मार्क्स हैं वो आपकी डेमो टीचिंग के हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, हम केवीएस में कार्यरत हैं, तो हमें बताएं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है सिलेक्शन के लिए, तो आपको डेमो टीचिंग के बारे में भी हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। तो दोस्तों जैसे टीजीटी एसएसटी, अब टीजीटी एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी,
जो चारों सब्जेक्ट हैं, तो डेमो टीचिंग के लिए ये एक मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी के लिए, हो सकता है आपके लिए इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल हो। तो आप सभी जो चारों सब्जेक्ट हैं उनसे दो दो टॉपिक, अगर दो दो भी नहीं हो सकते तो कम से कम एक एक टॉपिक आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा डेमो टीचिंग के लिए। आप उसी टॉपिक को चूज करिए जिसमें आप परफेक्ट हो, जिसके बारे में आपके पास पूरा नॉलेज हो, और उस टॉपिक से रिलेटेड आप मैनमेंट टर्म्स आप इंग्लिश में भी रेडी कीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने स्टार्ट किया, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके जो मैनमेंट फीचर्स है वो आप इंग्लिश में भी तैयार कीजिएगा। तो डेमो टीचिंग से रिलेटेड यही, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हम टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमें दिखाना है ना कि हम किस तरह से बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे, वही तो है, कुछ डर तो है नहीं। इंटरव्यू में तो यही तो दिखाना है हमें, और क्या जज करेंगे जो इंटरव्यू पैनल वाले हैं, यही तो जज करेंगे कि ये बंदा पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता, ऐसा नहीं है वहां पे। तो डेमो टीचिंग में बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, और सिंपली इसके लिए सबसे हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आपके लिए यही होगा, चारों सब्जेक्ट से आप एक एक टॉपिक अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। अगर आपका गुड लक हुआ तो जो भी इंटरव्यू पैनल वाले होंगे कहेंगे कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी टॉपिक आप हमें पढ़ा दीजिए, तो आपको फिर आपकी चॉइस मिल गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। अगर हो सकता है कभी कभी बैड लक हो, अगर बैड लक हुआ तो फिर हो सकता है वो एक टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक आपको दे दे। तो मेन कहने का मतलब ये है कि अपने को पूरी तरह से प्रिपेयर होना है, रेडी होके जाना है इंटरव्यू के लिए। तो ये डेमो टीचिंग से रिलेटेड आपको चार टॉपिक जरूर रेडी करने हैं, वो सिविक से भी रिलेटेड बोल सकते हैं, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड बोल सकते हैं, तो ये आपको जरूर करना है इंटरव्यू के लिए। और सर ने बताया कि आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मेरा सजेशन होगा, जो भी जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे इस पोस्ट से रिगार्डिंग 50 शब्द लिखने के लिए कहा जाता है कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, 50 शब्द हमने भी लिखे हैं, सर ने भी लिखे हैं, तो आपको वही शब्द लिखने हैं जिनके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो, और अच्छे से आप नॉलेज कर लीजिएगा। केवीएस के बारे में आप 50 शब्द लिख रहे हैं तो केवीएस आपको पता है इसके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन क्या क्या कौन कौन से, उन शब्दों के बारे में आपको कहने का मतलब है पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। मैंने भी दो बार केवीएस का इंटरव्यू दिया है और हमने देखा है वहां से रिलेटेड है, वहां से 100% क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप दोस्तों हम और भी इस इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट सर है उनसे, सुनील चंद्रा जी सर से हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एसएसटी में। हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेवल क्या रहता है इंटरव्यू में, क्या हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू वाले, किस तरह के क्वेश्चन, तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन पे हम सभी आपके साथ जरूर अभी शेयर करेंगे। तो चंद्रा जी प्लीज हमें ये बताइए कि जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि सर एग्जाम्पल बताइए कि कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, क्या इंटरव्यू में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो सर प्लीज थोड़ा सा बताइए कि एसएसटी में किस तरह के क्वेश्चन, कोई से भी 10th या क्लास 9 क्लास 6 टू 10th तक कौन से कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल दीजिए सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आप लोग क्या कीजिए कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है सोशल साइंस में, जैसे 6 टू 8 हमारे पास 3 टेक्स्ट बुक है और 9th में 4 टेक्स्ट बुक और 10th में भी 4 टेक्स्ट बुक है, तो इनके आप टाइटल को एक बार देख लीजिएगा, है ना। जैसे हिस्ट्री की बुक का नाम हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, आवर पास्ट या हमारा अतीत है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी टाइटल क्या बुक का, क्योंकि सबसे बेसिक वो इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है सबसे पहले वो आपसे एडवांस क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अच्छा आप बताइए कि मुगलों के दक्कन नीति के बारे में आपका क्या सुझाव है, ऐसा नहीं बोलेंगे वो आपसे पहले बेसिक ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे, और नॉर्मली वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से ही रहेगा, वहां से स्टार्ट किया आपसे। जस्ट सपोज आपसे उन्होंने पूछा कि चलिए आप क्या आपको आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, क्योंकि केवीएस में एनसीईआरटी ही हम लोग रेकमेंड करते हैं, तो अगर आपने कह दिया हाँ सर ये सर पढ़ी है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े तो निश्चित रूप से आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, और अब तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड भी हैं जो एनसीईआरटी बुक को ही रेकमेंड कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे निश्चित तौर पर कि आप क्या हमारी बुक से परिचित हैं कि नहीं है, तो आपको ये बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो विषय है वो 9th से स्टार्ट होता है, 6 टू 8 तक इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, बट वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में पढ़ते हैं, ऐसा एज सच एक सेपरेट बुक नहीं है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आपसे पूछ ले कि क्या 8th क्लास तक इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही पढ़ाई जाती, तो उसका जवाब एकदम डायरेक्ट नहीं होगा कि सर नहीं पढ़ाई जाती। इसका जवाब ऐसे दिया जा सकता है कि सर
पढ़ाई जाती है बट वो दूसरे विषयों के साथ मिक्स करके पढ़ाई जाती है। जैसे ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, एट क्लास में इंडस्ट्री चैप्टर ही है तो वहाँ पे भी हम लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं करना कि एकदम से कि सर नहीं तो, और आपको हमेशा अपने जो भी आप बात बोल रहे हैं तो एक बात उसमें थोड़ा सा स्पष्टता रहनी चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने में ही कन्फ्यूज़ हैं तो उसका एक गलत इंप्रेशन जाता है, क्योंकि हम टीचर हैं और हमें बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, और अगर हम ही कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से तो फिर वो बच्चों पे गलत इंप्रेशन जाएगा। तो इसीलिए आप जो भी बोल रहे हैं स्पष्ट बोलिए, और अगर आपको नहीं आता ना तो उसमें ना कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जान सकते ना, बहुत कुछ जान सकते हैं सब कुछ नहीं जान सकते। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि सर नहीं मेरे को नहीं आ रहा, मैं मना करूंगा तो गलत इंप्रेशन जाएगा। भाई आप एग्जाम दे के आए हैं, आपने क्वालिफाई किया है, आप इतने सारे लोगों ने एग्जाम भरा था, आप उनमें नहीं है ना, आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप में कुछ खास है इसीलिए आप बैठे हैं। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, और अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना किसी से कि अरे वो मेरे से पहले वाला जो इंटरव्यू दे के आया था वो बहुत डरा हुआ था, वो बहुत डर गया, वो क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाया, पता नहीं मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, वो उसकी कहानी है, उस तक सीमित रहने दीजिए, आप अपनी कहानी खुद लिखिए, ठीक है। और दूसरी चीज, आप थोड़ा सा अब एक चीज हम लोग और देख रहे हैं, जैसे हम लोग कोई पढ़ा भी रहे हैं तो देख रहे हैं, तो केवी में क्या हो रहा है, केवी में ही नॉट इवन केवी, बाकी सभी स्कूलों में हो रहा है कि टीचर के पास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि नहीं वो भी चेक की जा रही है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब कि आप एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान से जोड़ पा रहे नहीं पा रहे, कि आप हिस्ट्री को पढ़ाते समय आप उसमें ज्योग्राफी का पुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या फिर सिविक्स को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा देखा जाता है। तो अगर आप डेमो की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो वहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे लाइक जब मैं अशोकन एम्पायर पढ़ाता हूँ तो अशोकन एम्पायर में वहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको उसके अंदर मॉरल टच भी देता हूँ, कि जैसे अशोका के जो पॉलिसीज थी, रिलीजियस पॉलिसीज थी, तो उसके अंदर मॉरल थिंकिंग भी आती है ना, तो वो भी पुट करना चाहिए। तो उससे क्या है, आपको आपके अप्रोच में ना, आपकी टीचिंग अप्रोच में थोड़ा सा डाइवर्सिटी आती है और इंटरलिंक करने लग जाते हैं आप। जैसे आप अशोका पढ़ा रहे हैं तो अशोका पढ़ाते समय अगर आपसे पूछ लिए, लेट सपोज यही पूछे जाए कि चलिए आप अशोका पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और अशोका पढ़ाते समय आप बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे कि हुई अशोका, अशोका था कौन, तो आपके पास कोई ना कोई ट्रिक होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए आप जो डेमो भी प्रिपेयर करके जा रहे हैं ना, तो उसके लिए बच्चों को आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सीधे जाके क्लास में बोल देते हैं कि बच्चों आज हम लोग अशोका के बारे में पढ़ेंगे, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं, होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, विषय बच्चों के मुंह से निकलवाना है, एटलीस्ट एग्जामिनर के सामने तो निकलवाना ही है। क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन एग्जामिनर के सामने तो होना चाहिए ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई डेमो लेके जा रहे हैं, कोई भी डेमो प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो वो डेमो में जो टॉपिक है वो टॉपिक बच्चों को आपको नहीं बताना है, बच्चों के मुंह से निकलवाना है। तो अब जैसे अशोका पढ़ा रहे हैं तो उसमें सिंपल सी बात है, हम लोग अशोका को पढ़ाते समय पे हम लोग कॉइन का या फिर रुपी नोट का यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि उसमें अशोका स्तंभ का साइन है तो वहां से पूछ सकते हैं कि ये है क्या, तो वो अपने आप ही बच्चा बोलेगा कि सर ये अशोका स्तंभ है, तो वहां से ऑटोमेटिक टॉपिक निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें ये चीज करनी है। सर मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि वहां पे इंट्रो में हमें कितना समय मिलेगा, मेरे को लगता है कि हमें पूरा आधा घंटा का टाइम शायद मुश्किल मिलेगा डेमो के लिए, कम ही मिलेगा, तो एक बच्चा क्या शो करे, मतलब प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर, तो किस तरह से प्रेजेंट करे कि उनको टॉपिक को समझा सके कम समय के अंदर, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जी पहली बात तो अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना व्हाइट बोर्ड देखिए कि व्हाइट बोर्ड मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, मेंटेन मतलब डेट रखी है, टॉपिक सब टॉपिक ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर इंटरव्यू वही देखेगा कि आप एंट्री करें, आप सीधे ही बोलने लग गए, आपने अपना व्हाइट बोर्ड देखा ही नहीं, डेट चेक की ही नहीं, तो सबसे पहले तो आपको वो देखना है। और दूसरी चीज़, डेमो में मुझे नहीं लगता कि वो जो इंटरव्यू में बैठे होंगे, मोस्टली आई थिंक वो सब प्रिंसिपल या कहीं के प्रोफेसर ही होंगे, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता जज करने में, उनका काम ही यही है। मुझे लगता है सर डेमो ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखेंगे ना तो 2 या 3 मिनट का होगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, क्योंकि आपके खड़े होने के तरीके का, आपको आपका रूम में चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, वो अपने आप ही स्वतः बता देता है कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, आप अपनी चीज को, आप जो चीज बच्चों को देने आए हैं वो चीज प्रेजेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सर ने बताया कि डेमो का टाइम 10 मिनट भी हो सकता है, अगर 10 मिनट हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि आप 100% सेलेक्ट है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं, लेकिन आपको मैटर होना चाहिए 10 मिनट तक, आपको प्रेजेंट करना है
जो इंटरव्यू पैनल वाले हैं उनको स्टूडेंट मानते हुए, ठीक है, आपको उनको समझाना है आराम से जो भी आप टॉपिक वहां पे जो भी टॉपिक चूज करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको पूरे जो भी फीचर से वो क्लियर करने हैं। जी सर, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है इंटरव्यू के टाइम पे बच्चों के साथ ये होता है, वो टॉपिक तो तैयार करके जाते हैं 30 मिनट वाला, लेकिन जैसे वो इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं वो मात्र 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये समस्या मैंने आमतौर पर देखी है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन आप लोगों को, अगर आप जो भी टॉपिक तैयार करें उसको गहन तैयार करें, उसका जो सारे पार्ट्स है ना उसको, जैसे सर ने बताया था कि जो हमें सब्जेक्ट से जोड़ना है वो सारी चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप टॉपिक को कितना भी ज्यादा ले जा सकते हैं। और आपको डिलीवर कैसे करना है, एक बच्चों को करना है, ऐसा नहीं है कि वहां पे आपके सामने प्रिंसिपल बैठे हैं तो उनको आप प्रिंसिपल समझें, क्योंकि वो यही चेक करेंगे कि ये जो बच्चा है ना इसको नॉलेज है उसको कैसे डिलीवर कर रहा है। वो नॉलेज तो आपका चेक कर लिया है टेस्ट के अंदर, अब नॉलेज को डिलीवर कैसे कर रहे हैं आप स्टूडेंट के सामने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, आप जो भी डेमो प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर सपोज की ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें आप व्हाइट बोर्ड का या ब्लैक बोर्ड का यूज कर सके, जैसे डायग्राम यूज करके। जैसे अगर आप 6th क्लास का प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड एक चैप्टर है, तो वहां पे आप ग्लोब बना सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि ग्लोब बना रहे हैं तो सर्कल थोड़ा ठीक बने, ऐसा ना हो सर्कल कुछ और ही बन जाए। और अगर आप इंडियन मैप बनाने में हैबिचुअल हैं और या वर्ल्ड मैप बनाने में हैबिचुअल है तो आप वो हुनर का मतलब आप दिखा सकते हैं इंटरव्यूअर को कि देखो मेरे को आता है बनाना। बहुत बढ़िया चंद्रा सर, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी का टॉपिक वहां पे चूज कर रहे हैं तो आपको डायग्राम या फिर मैप बनाना आना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। अगर आप इंडिया के बारे में कोई भी स्टेट भी दर्शा रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि अशोका पढ़ा रहे हैं तो हमें अशोका का जो शासन बताना है तो वो भी आपको मैप बना करके समझाया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं तो उसकी पहले प्रैक्टिस जरूर करिएगा। व्हाइट बोर्ड कहीं से भी अरेंज हो जाता है, किसी स्कूल में चले जाइए आपको बताएं, वहां पे जाके आप कम से कम जो भी टॉपिक चूज करें उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपको व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिखेंगे आप वहां पे जो भी टॉपिक, और वो जरूर आपको इंग्लिश में लिखना है और उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स है वो भी इंग्लिश में। मेन मेन आपको बताएं कि वहां पे रामायण टाइप या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं करना हमें बोर्ड पे, ओनली मेन मेन जो भी उसके फीचर्स है वो आप इंग्लिश में रेडी कर लीजिएगा पहले, क्योंकि एक यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा, हम जाएंगे हिंदी में भी करिए एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदी की वजह से हमें इंटरव्यू से बाहर कर देंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन के लिए आप इंग्लिश में तैयार कीजिएगा, टॉपिक इंग्लिश में लिखिए, उससे रिलेटेड फीचर लिखिए। तो ये मुझे लगता है प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छा एक सजेशन है कि जो भी टॉपिक आप चूज करेंगे उसकी पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आप माध्यम को लेकर परेशान मत होइए, एक बार आप केबी में आ जाइए, हम लोग भी हिंदी मीडियम के ही पढ़े हुए हैं, बट अभी क्या है हम लोग जब डिलीवर करते हैं बच्चों को ना तो धीरे 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 हम लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, जितनी इंग्लिश हमें पहले आती थी उससे अब बेहतर ही आती है। और आप जब केबी में आ जाएंगे एक बार तो आप खुद देखेंगे कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार यही केबी को चला रहा है। सर एक प्रश्न है मेरा यहाँ पे जो ज्यादातर अभ्यर्थियों का होगा, मुझे लगता है हर एक अभ्यर्थी का एक प्रश्न है कि टेस्ट देने के बाद में अभी तक कट ऑफ नहीं आया है, तो मेरा आपसे ये सवाल है अभ्यर्थी ये असमंजस में है कि सर क्या 140 प्राप्त कर रहा है एक बच्चा 180 में से और एक बच्चा कट ऑफ के बिल्कुल पास में रह रहा है, तो क्या वो 140 प्राप्त करने वाला इंटरव्यू में ज्यादा सीरियस ना ले, या फिर जो कम प्राप्त कर रहा है इंटरव्यू में कट ऑफ के आसपास है तो वो अगर ज्यादा तैयारी करे, क्या इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि रेशियो है ना 70-30 का है। जी सर, 140 अगर 180 में से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बच्चे गिने चुने होंगे, बहुत नहीं होगा मेजोरिटी, क्योंकि हम लोग भी जब एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे भी जैसे आप लोग मोबाइल में यूट्यूब पे जाके कट ऑफ चेक कर रहे हैं हम भी वही कर रहे थे, तो उस समय भी बोलने वाले बोल रहे थे कि नहीं हमारा 140 जा रहा है 150 जा रहा है, तो लेकिन जब कट ऑफ आई है तो आप लोगों के सामने भी है कि 2019 की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ के मामले में 60-70% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और सर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनको, ऐसा नहीं है जैसे सर ने बताया कि किसी 140 नंबर आ रहे हो और आप ये सोच रहे मेरे 120 ही नंबर है, मैं तो लास्ट में है, मेरा तो जो कट ऑफ जैसे 120 कट ऑफ गई है मेरा तो 120 है, लेकिन मेरे दोस्त का स्कोर 140 है। yes. तो आपको वहां नहीं डरना है, इस बार जो इंटरव्यू है ना ये बहुत चेंज करेगा इस बार मेरिट को, ये 100% फिक्स है, क्योंकि हमारी टाइम पे अगर इस वैकेंसी से पहले देखेंगे ना तो 85% था रिटर्न का और 15% इंटरव्यू का, लेकिन इस बार है 30%, तो आप देख लीजिए 30% में से हो सकता है 140 वाले को 10 नंबर मिले और आपको हो सकता है 28 मिल गए, देखो ना कितना डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा तो लास्ट में है, कट ऑफ के बिल्कुल पास में हूं,
अब मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, 140 वाले का होगा, तो ये नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं रखना। अगर आपने इंटरव्यू को बेस्ट प्रेजेंट किया तो अभी तो 30% वेटेज है, हम वहां पे 25 प्लस ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जो बंदा 140 ला के सोच रहा है कि यार अब इंटरव्यू में क्या है, मेरा तो सिलेक्शन श्योर है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसको इंटरव्यू, जो इंटरव्यू पैनल वाले हैं उन्होंने उनको 10 नंबर दिए, 8 नंबर दिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो हो सकता कितना बड़ा उलटफेर हो गया। तो ये इस बार इंटरव्यू बहुत कुछ उलटफेर करेगा इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी हमने सजेशन आपको दिए हैं, आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। और भी हमारे साथ जो जगमोहन सर हैं, जगमोहन सर आप प्लीज कुछ ऐसे नॉर्मल और भी कुछ पॉइंट्स बताइए जिससे इंटरव्यू इफेक्टिव बनाए जा सके। सर मेरा तो यही है कि सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्या कहें, आप टीचर ही बनने वाले हैं, लेकिन ये अक्सर हमारे दिमाग से निकल जाता है कि बच्चे, क्योंकि दिन भर बच्चे बच्चे करते हैं तो निकल रहा है। तो मैं सभी को यही राय देना चाहता हूँ, एक तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं, क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो उनके सामने वाले पर जो इंप्रेशन पड़ेगा बेटर पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जैसा सर ने बताया प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको पता ही है दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। कोई भी गोल को अचीव करना है तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो एक तो आपका जो पहनावा है ना, इसको लेकर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह की चीजें, यानी कि जींस है या आपकी टी शर्ट है, या फिर आप जो ट्रेडिशनल पहन के आ रहे हैं या जो आप फॉर्मल पहन के आए हैं, इसके लिए मैं सुनील चंद्रा सर से पूछना चाहूंगा कि सर किस प्रकार का डेकोरम बच्चे बना के आए हैं ड्रेस को लेकर के। जी सर, इसके बारे में तो मैं आपसे अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी सर बताइए। देखिए, जिस समय मैं इंटरव्यू देने गया था उस समय मेरे बाल ऐसे ही थे, तो और हाँ ये था कि ड्रेसिंग सेंस में मैंने व्हाइट शर्ट ली थी, और व्हाइट शर्ट और डार्क पैंट थी। डार्क पैंट मतलब ग्रे ग्रेश कलर में या ब्लैकिश ब्लैक कलर में, वो भी चल जाएगा। और शूज जो नॉर्मल फॉर्मल ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेस में ही जाएंगे। और मेन चीज़ आती है कि आप जब एंट्री कर रहे हैं ना, तो आपका एंट्री करने का स्टाइल क्या है, मतलब आप घुस रहे हैं तो आप पहले नॉक कीजिए ना कि सर मैं कमी, तो आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बेधड़क घुसने से अच्छा है आप पहले नॉक कीजिए, क्योंकि वहाँ जो बैठे हैं वो आपका, माना आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बट वो आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा एटिकेट भी दिखाएंगे उनको। और इस चीज़ में घबराना नहीं है कि मेरे बगल में कोई कोट पहन के बैठा हुआ, उनका तो कोट ही नहीं है, है ना, तो आप फॉर्मल रहिए, मतलब हाँ। और जयपुर में आई थिंक आपका भी इंटरव्यू होगा जैसे मेरा हुआ है, और जयपुर में गर्मियों के समय में इंटरव्यू होगा, तो उतना तो वो भी समझ रहे हैं कि कहाँ इतनी गर्मी में कौन कोट पहन के आएगा। और एक बार जब आप फॉर्मल में घुसे, उसके बाद आप जब बैठ गए, तो फिर वो आपकी नॉलेज ही चेक करेगा। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे ड्रेस से संबंधित तो हमारा यही बेस्ट सजेशन है आपके लिए, फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना है। अगर आप जींस में जाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए आप थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हो गया 100%। तो आपको जींस में नहीं जाना है, हमारे जो खास मेहमान है वो ये बता रहे हैं कि आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, और ये है भी सही, आपके अंदर टीचर की क्वालिटी फॉर्मल ड्रेस से ही आपको वहां पे जो पैनल होगा उसको देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा और भी अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम जरूर जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी उन पे डिस्कस करेंगे, और जो भी आपकी डिमांड होगी उनसे रिलेटेड हम अगला वीडियो भी बनाएंगे। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू में मेन जो उद्देश्य था इस वीडियो बनाने के पीछे, मेन उद्देश्य था कि टीजीटी एसएसटी के इंटरव्यू में आपको हेल्प मिले, स्पेशली हम जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट है सुनील चंद्रा जी सर, उनको हमने आज स्पेशली इनवाइट किया था कि सर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर आप केवी में हैं काफी साल, अब हमें लगभग 5 साल हो गया है, हम सभी टीचर्स को 5 साल से हम केवी में हैं, तो अब ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको पता है हमें उसके बारे में नॉलेज भी है, और बहुत सारे जो दोस्त बता रहे थे कि सर प्लीज एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। तो ये टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड हमने जो फील किया वहां पे इंटरव्यू में, और सर ने बताया कि किस तरह से इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह से रेडी होना है, हमने मोस्ट जो मेन जो आपको करना ही है ये समझिए, सिलेक्शन के लिए जरूरी है, आपको हमारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा 100%। एक चीज सर जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो जिस भी सिटी में आपका इंटरव्यू हो रहा हो, जैसे लाइक सोशल साइंस का मोस्टली जयपुर में ही होता है, तो थोड़ा बहुत जयपुर के बारे में भी बता करके जाइए, क्योंकि जयपुर खुद एक हिस्टोरिकल सिटी है, और सोशल साइंस में हिस्ट्री ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो
तो आप अपना बैकग्राउंड का बैकग्राउंड से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल चीजें हैं ना आपकी, वो आप जरूर तैयार करके जाइए और बैकग्राउंड से ही निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछेंगे बनेंगे। अब वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले अपने पास कोई क्वेश्चन का सेट लेके नहीं बैठे रहते हैं कि हाँ अभी मेरे को ये सारे क्वेश्चन मैं घर से लिख के लाया हूँ, यही सब मुझे पूछने हैं। नहीं सर, यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगा, जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बूंदी है, जब मैंने भी इंटरव्यू दिया पीजीटी हिस्ट्री का, तो जैसे मैंने बूंदी के बारे में उनको बताया कि मैं बूंदी से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने पूछा बूंदी की जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेज है उनके बारे में, और मैंने वहां पे तारागढ़ को बताया ना कि तारागढ़ दुर्ग बहुत फेमस है, तो उनमें से जो पैनल के एक मेंबर थे उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए तारागढ़ दुर्ग दूसरी जगह भी है राजस्थान में, तो उसका मुझे नॉलेज था पहले, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे जो भी एक्सपर्ट थे उनसे मैंने भी सजेशन लिए थे, पूछा था कि यार किस तरह से इंटरव्यू हो सकता है, तो मुझे नॉलेज था कि तारागढ़ बूंदी में है, उसके अलावा अजमेर में भी है, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं इंटरव्यू में, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना सेम है। यही चीज जैसे जयपुर में आए तो जयपुर में आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन पहले जाएंगे तो वो आपसे सीधे पूछ लेंगे कि अच्छा आप जयपुर कब आए हैं, तो अगर आपने बोल दिया एक दो दिन पहले आए या आज नहीं आए एक दो दिन पहले आए तो सीधे आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा आप जयपुर घूमे कि नहीं घूमे। तो फिर वो आप अगर आपने उनसे पूछा, अगर मैं हाइपोथेटिकल सोच रहा हूँ, जैसे आपने अगर बोल दिया कि सर मैं जंतर मंतर घूमा हूँ, तो निश्चित तौर पे आपसे पहला अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि अच्छा जंतर मंतर घूमा आपने तो किसने बनवाया, तो आप बताएंगे जिसने बनवाया जैसे या राजा जयसिंह ने बनवाया, तो वो कहेंगे कि अच्छा राजा जयसिंह ने और भी बहुत सारे जंतर मंतर बनवाए हैं, वो कौन सी सिटीज है। तो इस तरीके से मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं जयपुर ही पूछेगा, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपसे आपके बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन पूछेगा, वहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे, फिर वो धीरे 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 एडवांस पे जाएगा। आप अपने माइंड में पहले से खिचड़ी मत बना के रखिए कि मेरे से ये पूछेगा मेरे से ये पूछेगा, नहीं वो आपके बैकग्राउंड से पूछेगा, तो आप अपने बैकग्राउंड पे वर्क कीजिए, बैकग्राउंड को स्ट्रांग कीजिए और बैकग्राउंड से रिलेटेड फिर आप वहां से अपने आप से सोचिए कि अच्छा मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरे बगल में कुछ हिस्टोरिकल सिटीज हैं या नहीं है, या अगर मान लीजिए लेट सपोज अगर आप सपोज करो मिर्जापुर से ही आ रहे हैं, तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि अच्छा मिर्जापुर वेब सीरीज देखी नहीं देखी आपने, तो ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू है ना जो बहुत सारे रीजन में होंगे, आपको पता है 25 रीजन है केवी के अंदर, तो हर एक पैनल का एक अपना अलग माइंड सेट होता है, हर एक पैनल हर एक बंदे में एक अलग क्वालिटी होती है, किस प्रकार के प्रश्न पुटअप होंगे, यानी कि बहुत सारे प्रश्न पूछने की संभावना है जहां भी आपका इंटरव्यू होगा, तो एक वीडियो में इतने सारे प्रश्न कवर करना बहुत ही मुश्किल है, आप भी जानते हैं, तो आपके मन में जो भी प्रश्न उठता है कि सर ये प्रश्न हो सकता है, तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए, ताकि हम उन कमेंट्स को देख करके, और ज्यादातर लोगों के जब कमेंट सेम आएंगे तो उनपे हम आपके लिए वीडियो बना सके, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट साबित हो। और दोस्तों मेरा यहाँ पे एक सजेशन और भी होगा आपके लिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी सिटी में जाए डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जयपुर जाए कहीं पे भी, आपका दिल्ली हो कहीं पे भी हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्पेशली वहां पे जो भी इंटरव्यू दे के बाहर निकल रहा है उनके साथ बात नहीं करना है बिल्कुल भी, बस आप जो भी इंटरव्यू देख के बाहर निकल रहे हैं तो वो जो बंदे उनके साथ आपको डिस्कस नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए कि भाई प्लीज यार दोस्त मुझे बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है वहां पे क्या होता है, ये रियलिटी है सर, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, उनसे अगर आप पूछ रहे हैं ना तो वो एक अलग टाइप का प्रेशर देके चले जाते हैं, बिल्कुल आपका प्रेशर आपके माइंड 100%, अरे हो सकता है बोलते भाई वहाँ पे तो हिंदी में बात ही नहीं कर रहे, इंग्लिश चल रही है, अगर आपको इंग्लिश की भी प्रॉब्लम है तो आप 100% अरे यार प्रेशर में आ जाएंगे, तो आपको अननेसेसरी उनसे प्रश्न नहीं पूछना है, ये आपके माइंड में रखना है, जो भी इंटरव्यू देके निकल रहा है ना बाहर उसके पीछे नहीं पड़ना है यार बता दे एक दो क्वेश्चन तो क्या पूछे, तो ऐसा नहीं करना है। और तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये इंटरव्यू आपके लिए, जो भी नेक्स्ट अभी बहुत केवीएस को आपको बताएं कितना काम तेजी के साथ कर रहा है केवीएस, हो सकता है जल्दी इसकी फाइनल आंसर की आने वाली है और जल्दी कट ऑफ आने वाली है, तो सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जो भी रिटर्न क्लियर करते हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको सिलेक्शन के लिए भी हमारी तरफ से अग्रिम बधाई है, हम चाहते हैं आइए हमारी केवीएस फैमिली में, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका हार्दिक स्वागत है, और हम यही कहना चाहेंगे कि कुल मिला के आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रखना है और अपना जो टैलेंट है, अपने पास जो टैलेंट है, अपनी जो क्षमता है, उसका प्रदर्शन करना है इंटरव्यू में, बिल्कुल डरना नहीं है, बस इंटरव्यू नॉर्मल है, अपना ओरिजिनल दीजिए ना, बनावटी क्या मतलब, बिल्कुल कब तक रखेंगे, ओरिजिनल दीजिए, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, उसमें बताइएगा किस तरह से आपको और भी हेल्प चाहिए केवीएस से की के इंटरव्यू से रिलेटेड, तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हमारे इस आज का जो हमारा एक्सपीरियंस है, इसमें हमारे साथ दो खास मेहमान थे, इनका फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आपने आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका दिल से
बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही फ्यूचर में भी अपनी सेवाएं देते रहिएगा और हमारे दोस्तों को अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है 2% भी तो हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हमारे वीडियो से हमारे दोस्तों को हेल्प मिली है इंटरव्यू में। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में।